हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम नेगेटिव कैश के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि जो हम परचेज करते हैं या परचेज जो भी हम सामान खरीदते हैं फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस, बिजनेस करने के उद्देश्य से, जैसे मान लीजिए आपकी एक छोटी सी शॉप है, किराना शॉप है, कंप्यूटर की शॉप है, कोई भी शॉप है, तो आप अपने शॉप पर जो भी सामान बेचते हैं या खरीदते हैं बेचने के लिए, तो उसके लिए एक बिल आपको मिलता होगा या आप बिल देते हैं। तो जब हम खरीदते हैं तो आपको ये तो पता है कि उसकी एंट्री हम परचेज वाउचर में कर देते हैं, लेकिन जब उसका पेमेंट हमें करना होता है तब हम कहाँ जाते हैं और कैसे पेमेंट करते हैं, ठीक है, इसी के बारे में बात करेंगे आज। तो देखिए यहाँ पर दो बार मैं डी प्रेस करता हूँ ताकि मैं डिस्प्ले में जा सकूँ, या फिर यहाँ पर डिस्प्ले पे भी क्लिक आप कर सकते हैं और यहाँ से डे बुक में चले जाएं। यहाँ पर हमें देखना है, ये देखिए ये राम क्रेडिटर पार्टी है, ठीक है। तो इन्होंने सामान परचेज किया, जैसे मान लीजिए शुगर परचेज किया है 500 किलोग्राम 35 रुपए के रेट से, तो 17,500 रुपए का इन्होंने शुगर परचेज किया है। इसमें ये देख सकते हैं आप, इसकी पूरी डिटेल यहाँ पे शो हो रही है। इसमें अभी जीएसटी इनेबल नहीं किया मैंने, तो अभी इसमें क्या है कि इसका जो बिल सप्लायर इनवॉइस नंबर है वो 777 है और इसमें हमने मेंटेन बिल वाइज डिटेल को चालू रखा है। और यहाँ पर आपको करना क्या है, इसका पेमेंट करना है। तो एक बार फिर मैं दिखा दूँ आपको कितने रुपए का पेमेंट है, 17,500 रुपए का कुल पेमेंट आपको करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हमें कहाँ चलना है, पेमेंट वाउचर में चलना है, ठीक है। अभी हमारे पास कोई भी कैश अवेलेबल नहीं है, ये भी बात याद रखिएगा कि हमने कोई भी कैश रिसीव नहीं किया है कंपनी में, ठीक है, यानी कि हमारे पास पैसे नहीं है। फिर भी टैली में एंट्री पॉसिबल हो जाती है, लेकिन ये एंट्री टैली में गलत मानी जाती है। चलिए ये देखते हैं, अकाउंटिंग वाउचर में चलते हैं और यहाँ से हमें जाना है पेमेंट वाउचर में, क्योंकि हमें पेमेंट करना है। तो F5 प्रेस करेंगे तो पेमेंट वाउचर में आ जाएंगे। अब यहाँ पर आ रहा है डेबिट, ठीक है, डेबिट किसको करना है और क्रेडिट किसको करना है, यही बात हमें समझनी है। तो यहाँ पर जिस भी पार्टी ने माल खरीदा है उसी को हम क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे, मतलब वही पार्टी जो है पेमेंट करेगी और उसी पार्टी को हम रखेंगे यहाँ पे। तो ये हमने रख दिया, ठीक है, उस पार्टी का नाम दे दिया। और मान लीजिए कि 5,000 रुपए या फिर जितना भी हो, यहाँ से 5,000 रुपए पेमेंट कर रही है वो पार्टी। अब देखिए यहाँ पर अपने आप अगेंस्ट रेफरेंस सेलेक्ट होकर आ रहा है। कहने का क्या मतलब है कि आपने जो चीजें खरीदी थी उसका आप भुगतान कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस अपने आप सेलेक्ट होकर आ रहा है। तो यहां से आप ओके प्रेस कीजिए और ये आपका पेंडिंग बिल है जो कि 777 नंबर का बिल था, 17,500 रुपए पेंडिंग शो कर रहा है। यहां से ओके प्रेस कीजिए और 5,000 रुपए हम देने की कोशिश करेंगे। देखिए हम सिर्फ देने की कोशिश करेंगे, हम दे नहीं पाएंगे क्योंकि हम जब एंट्री करने जाएंगे तो वो नेगेटिव कैश हमें वार्न करेगा तुरंत। एंटर प्रेस किया, ठीक है। अब यहाँ क्रेडिट करने की बारी है, तो कैश हम दे रहे हैं तो यहाँ पे कैश को हम क्रेडिट करेंगे। और जैसे ही हमने क्रेडिट करने की कोशिश की तो यहाँ तुरंत जो है ये रेड में शो होने लगा। यहाँ पे देख सकते हैं रेड में शो हो रहा है और यहाँ पर वार्निंग भी आ रही है नेगेटिव कैश की, ठीक है। तो ये नेगेटिव कैश की वार्निंग कैसे आएगी, अगर आपके में नहीं शो हो रही है तो आपको कीबोर्ड से F12 की प्रेस करनी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये विंडो खुल करके आपके सामने आ जाएगी। जब ये आ जाए तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 और ये छठा ऑप्शन है वार ऑन नेगेटिव कैश बैलेंस, इसको आपको यस रखना है। अगर आप इसको नो कर देंगे तो आपको नेगेटिव कैश के बारे में वार्न ये नहीं करेगा, तो आपको इसको हमेशा यस रखना है, ये बात याद रखिएगा। क्योंकि अगर आप ऐसी एंट्री तो टैली में हो ही जाएगी, लेकिन आप ऐसी एंट्री करते हैं तो ये रॉन्ग एंट्री मानी जाती है, इसीलिए आपको इसको यस रखना है, ठीक है। चलिए कंट्रोल ए प्रेस करते हैं, आ जाते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अगर ऐसी स्थिति बनती है, ठीक है, तो ये एंट्री मान लीजिए हो गई, जैसे मान लीजिए कंट्रोल ए करके मैंने इसको एक्सेप्ट करा दिया, ये हमारी एंट्री हो गई, लेकिन हमारे पास बैलेंस तो था नहीं, तो ये एंट्री गलत मानी जाएगी। तो फिर आ जाते हैं डिस्प्ले में, ओके। अब ये राम क्रेडिटर वाली जो एंट्री हुई है इसको हमें सुधारना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाहर आ जाते हैं इससे। बाहर आने के बाद क्या करना है आपको, वापस से अकाउंटिंग वाउचर में जाना है, वी प्रेस करना है। तो वी प्रेस किया हमने, अब जाना है आपको रिसिप्ट वाउचर में, अपनी कंपनी में कुछ कैश डालना है तो यहां पर आपको कैपिटल अकाउंट का एक लेजर बनाना होगा। तो एक लेजर मैं बना लेता हूं कैपिटल अकाउंट का, ओके। आपको यहां पे कुछ भी हो कैपिटल अकाउंट का ही लेजर बनाना है, कुछ और मत लिखिएगा। और यहां पर क्या करना है आपको, यहां पर अंडर कैपिटल अकाउंट इसको डालना है, ये डाल दिया हमने अंडर कैपिटल अकाउंट, ओके।
एंटर प्रेस किया और यहाँ पे एड्रेस चाहे डाल सकते हैं, फिलहाल मैं एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट करता हूँ इसको। और अपनी कंपनी में मैं कुछ कैश डाल देता हूँ, 7 लाख रुपए डाल दिया। और यहाँ पे डेबिट किसको करेंगे, कैश को डेबिट कर देंगे यहाँ से। तो ये कर दिया हमने और एक्सेप्ट करा लिया। अब हम चलते हैं अपनी उस एंट्री की तरफ जो हमने कर रखी है पेमेंट में। तो ये हमारी एंट्री है, ये कुछ समय पहले रेड में शो हो रही थी, अब ये रेड में शो नहीं हो रही है। आप देख सकते हैं इसको, ये देखिए ये वाली एंट्री थी आपकी, ये रेड में शो हो रही थी। ये रेड में क्यों शो हो रही थी क्योंकि हमने कंपनी में कैश रखा नहीं था, तो हम पेमेंट कहां से कर पाते, इस वजह से ये रेड में शो कर रही थी। ठीक है, अब हमारे पास पर्याप्त बैलेंस हो गया है, ये बैलेंस शो भी कर रहा है। 7 लाख रुपए हमने रखे थे तो 5000 रुपए पेमेंट कर दिया। अब कितना बचा हुआ करंट बैलेंस, 12500 रुपए सिर्फ देना है। अब इसकी एंट्री हम फिर से करते हैं, पेमेंट वाउचर में चलते हैं और फिर एक बार और बचे हुए पैसे का भुगतान हम करेंगे। तो चलिए वी प्रेस करते हैं और आ जाते हैं हम वापिस से कहां, पेमेंट वाउचर में। तो ऑलरेडी हम पेमेंट वाउचर में हैं। अब हमको क्या करना है, राम क्रेडिटर, ये जो राम क्रेडिटर लिखा हुआ है इसको करना है डेबिट। ठीक है, कितना रुपए डेबिट करना है, 12500 डाल दिया, एंटर प्रेस किया। अब अगेंस्ट रेफरेंस आ गया तुरंत। अब ये देखिए यही है 12500, कुछ पैसे देखिए कुल मिलाकर 12500, ये 17500 शो कर रहे थे, अब 12500 शो कर रहा है, एंटर प्रेस किया। अब यहां पर कैश आ जाएगा तो कैश से हम पेमेंट कर देंगे इसको। अब यहां पर ये नेगेटिव में नहीं शो कर रहा है बैलेंस, देखिए। हाँ, यहां पर एक चीज और देखिए, ये जो कंपनी का आपके बैलेंस था वो जरूर घट रहा है, जो आपने कंपनी में लगाया है या फिर जो आपने अपनी दुकान में लगाया है। ठीक है, तो ये घट जाएगा क्योंकि आपने सामान परचेज किया है और उसको आप अब सेल करेंगे, तो दैट्स वाई कुछ पैसे होने चाहिए सामान परचेज करने के लिए। कभी कभी हम उधार भी परचेज करते हैं लेकिन उस उधार की चुकौती हमें करनी होती है, वो उधार भी माल जो हमने खरीदा होता है वो भी हमें चुकाना होता है। तो ये हो गया, हमारी एंट्री पूरी हो गई। इस तरह से हमें एंट्री करनी। अब हम जब सेल्स वाउचर में जाएंगे तो यहां से वी प्रेस करता हूं। अब सेल्स वाउचर में चल करके एक बार और इसको देख लेते हैं। तो यहां पर आ गए हम। अब इसमें कोई रेफरेंस नंबर मैं डाल देता हूं, एंटर प्रेस करता हूं, यहां पर आ जाएगा अब डेटर पार्टी का लेजर। पहले क्रेडिटर पार्टी का आ रहा था, अब डेटर पार्टी का आएगा, एंटर प्रेस करता हूं और यहां पर मैं डाल देता हूं न्यू कॉलोनी देवरिया। ठीक है, ये डाल दिया हमने। अभी जीएसटी इनेबल इसमें मैंने नहीं किया है तो घबराएं नहीं, ये वीडियो ही नेगेटिव कैश को लेकर के है और पेमेंट को लेकर के है कि पेमेंट हम कैसे करेंगे। अब तक तो सेल्स और परचेज में बहुत आपने देखा इसको। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमको लेजर बनाना है और ये लेजर जो है सेल्स का लेजर होगा। तो यहाँ पे SAL सेल्स कर दीजिए, अकाउंट कर दीजिए। लेजर बनाने के लिए अल्ट के साथ सी प्रेस करना है और कुछ नहीं करना, आपको एस प्रेस कीजिए, सेल्स अकाउंट के अंडर में ये जाएगा ग्रुप में। तो यहाँ पर देखिए सेल्स अकाउंट ये रहा, एंटर प्रेस किया हमने, एंटर प्रेस किया, इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। ये हो गया हमारा, अब ये पूरा हो गया। अब हमने जो खरीदा उसको बेचने की बारी, तो अल्ट के साथ सी, यहाँ पर स्टॉक तो हमें बनाना ही, स्टॉक तो ऑलरेडी हम परचेज वाउचर में ही बना लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमको सिर्फ प्रेस करना है एस। तो देखिए शुगर का स्टॉक मौजूद है 500 किलो। ठीक है, अब ये 500 किलो में से हम 400 किलो मान लीजिए कि हमने सेल कर दिए, बेच दिया, और 1 किलो की कीमत हम लगा रहे हैं 40 रुपए के हिसाब से। तो ये हो गया हमारा। ठीक है, और इसको एंटर प्रेस करके और अब हम न्यू रेफरेंस करेंगे। यहाँ पे न्यू रेफरेंस क्योंकि हम इस माल को बेच रहे हैं। ठीक है, तो बेच रहे हैं तो यहाँ पे न्यू रेफरेंस कर देंगे और एंटर प्रेस करेंगे। अगर आप उधार रखते तो यहाँ पे क्रेडिट पीरियड दे सकते थे कि हाँ कितने दिनों के बाद आप उधार चुकाएंगे, अगर नहीं चुकाते हैं तो उस पर कितना हम ब्याज लेंगे या वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें आप दे सकते थे। फिलहाल हमको कैश मिल रहा है, एंटर प्रेस किया हमने, एक्सेप्ट करा लिया इसको। तो ये इस तरीके से हमारी एंट्री हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये एंट्री आपको समझ में आई होगी कि पेमेंट का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।